We are gathered here to examine wage rate determination in labor market. श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है इस पर हम लोग अभी विचार करेंगे. There is difference between supply curve of commodity and supply curve of labor. श्रम की पूर्ति रेखा और वस्तु की पूर्ति रेखा में एक आधारभूत अंतर है. वस्तु की पूर्ति रेखा नीचे से ऊपर दाहिनी ओर झुकी रहती है, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. दूसरी ओर श्रम की पूर्ति रेखा, श्रम की पूर्ति रेखा बैकवर्ड स्लोपिंग होती है, बैकवर्ड बेंडिंग होती है, जो नीचे से ऊपर जाती है और ऊंचा ऊपर जाने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ जाती है. इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्वगामी. क्या कहते हैं? पार्श्वगामी. अंग्रेजी में कहते हैं बैकवर्ड स्लोपिंग. यूपीएससी में क्वेश्चन ही रहता है कि व्हाई देयर इज बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व क्यों बैकवर्ड स्लोपिंग होता है? तो देखिए, इसके बारे में एक बैकग्राउंड आपको बताते हैं कि मनुष्य जो है वो मशीन से अलग है. मनुष्य का एक संतुष्टि का स्तर है. संतुष्टि आने के बाद उसको ऊंची मजदूरी भी दीजिएगा तो नहीं जाएगा और आराम पसंद करेगा. श्रमिक जो है वो अपने 24 घंटे में 8 घंटा काम के लिए निकालता है और बाकी 16 घंटा आराम का होता है. आराम वाले को कहा जाता है लीजर आवर. आराम वाले को क्या कहते हैं? लीजर आवर. आराम वाले को कहते हैं लीजर आवर, काम और आराम. तो जब मजदूरी का स्तर कम रहता है और जो मजदूर काम कर रहा है उसका जीवन निर्वाह स्तर बहुत कम है, मजदूरी बहुत कम है, तो इसको कहा जाता है डेस्टिट्यूट. डेस्टिट्यूट जो कि भिखारी, भिखारी की अवस्था, दरिद्रता की अवस्था. उस समय में आप उसको मजदूरी में 10 रुपए ही बढ़ाइएगा तो अगले दिन वो 2 घंटा अधिक काम करने को तैयार हो जाएगा. तो वो फर्स्ट स्टेज होता है मजदूर के जीवन में कि हायर द वेज हायर द सप्लाई ऑफ लेबर. हायर द वेज हायर द सप्लाई ऑफ लेबर. धीरे धीरे वो बढ़े हुए वेज से कपड़ा खरीदता है, साइकिल खरीदता है, बीवी के लिए कुछ चांदी का गहना बनवाता है. सोना का नहीं अफोर्ड करेगा तो चांदी का ही सही. एक आदमी दुकान में गया और कहा कि मीट कितना में देते हो, तो वो चुकर रखे हुआ था उसी में मीट का एक पीस और रस्सा. रस्सा आप लोग समझते हैं? हम लोग बिहार में रस्सा बोलते हैं, कहीं पर कड़ी भी बोलता है, दिल्ली में कड़ी बोलता है, हर चीज़ में कड़ी, ग्रेवी, ग्रेवी बोलता है. तो उसका दाम था 50 रुपया. एक पीस चिकन का ग्रेवी या एक पीस मछली का ग्रेवी तो 50 रुपया. तो जो आदमी था बहुत चतुर था, तो कहा कि काम कीजिए ना, 4 गो रोटी दे दीजिए और हमको ग्रेवी दे दीजिए, मांस नहीं तो सिरुए सही. आ उसका कितना लीजिएगा? वो कहा कि ग्रेवी का क्या लेंगे, 5 रुपया दे दीजिएगा. कहा कि पूरा ढार के दीजिएगा एक कटोरा, आ चारों रोटी उसे लपेट के खा लीजिए. स्वाद उसको किस चीज का मिल रहा है? उसमें जो तत्व जो है ताकत वाला वो कहाँ से आ रहा है? चिकन में. एक तरह से चिकन सूप हो गया, वो शोरबा नहीं रहा, उसमें चिकन सूप हो गया. कहता है कि श्रमिक का जीवन स्तर जब ऊंचा उठेगा तो मजदूरी बढ़ाइएगा, वो काम का घंटा बढ़ाते जाएगा. तो मान लीजिए पहले 2 घंटा करता था, 4 घंटा करे, 5 घंटा, 6 घंटा करते करते एक आ जाएगा 8 घंटा, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है.
आठ घंटा मजदूर काम करेगा, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, किसी भी कंट्री में चले जाइएगा यही स्टैंडर्ड। आठ घंटा के बाद जब उसकी मजदूरी बढ़ाएगा, तब तक कोई ऊंचे मजदूरी लेवल पर भी आ गया, एक स्टैंडर्ड मिनिमम वेज के रेट पर आ गया, उसके बाद मजदूरी बढ़ा के देखिए, वो कहेगा कि हम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो काम का आवर से लीजर आवर अब घटाना नहीं चाहता है। तो वर्क आवर और लीजर आवर, इस दोनों के बीच में जब आप गरीब रहिएगा तो आपका वर्क आवर होगा अधिक और लीजर आवर होगा कम। बहुत आदमी ओवर टाइम करता है कि किसी तरह से और पैसा घर में ला के दे सके, और ईमानदार आदमी और ज्यादा काम करेगा, घुसखोर होगा तो उसका अलग स्टैंडर्ड। तो कहता है कि मोर वेज मोर लेबर आवर अवेलेबल इन द मार्केट। मजदूरी बढ़ाइएगा तो काम का घंटा देने वाला बहुत आदमी आपको मिल जाएगा, फिर मजदूरी बढ़ाइएगा तो फिर काम का घंटा बढ़ेगा, फिर मजदूरी बढ़ाइएगा तो फिर काम का घंटा बढ़ेगा। काम के घंटा को ही सप्लाई ऑफ लेबर कहते हैं। सप्लाई ऑफ लेबर में लेबर का आपको जिंदगी थोड़ी ले लीजिएगा, आप उसका क्या लीजिएगा? समय, जिसमें आप उससे काम कराइएगा। अभी गर्मी का समय है या दिवाली का समय है तो पोछना है, झाड़ना है, तो आप उसको पैसा दीजिए आठ घंटा का, वो आपको आठ घंटा काम करेगा। चार घंटा का काम कीजिएगा तो चार घंटा का पैसा दीजिए। तो हायर वेज रेट, हायर सप्लाई ऑफ लेबर, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल होता है, उसको कहा जाता है ऑप्टिमम रेट, ऑप्टिमम रेट ऑफ वर्क एंड लीजर आवर। ऑप्टिमम रेट ऑफ वर्क आवर इज टू ऑप्टिमम रेट ऑफ लीजर आवर। ये रिसर्च के आधार पर निकाला गया, 8 आवर वर्क्स एंड 16 आवर लीजर आवर। लीजर आवर में आपका अपना खाना पीना, रहना, नहाना धोना, घर का काम, बाल बच्चा के साथ, वाइफ के साथ दो चार मिनट हर्ष बोल लीजिए, जब बाहर खुद दिखिए कनखी आके और घर में देखवे न कीजिए। ये बहुत बड़ा भारी प्रॉब्लम हो गया हुआ है यूथ में। बराबर देखिए कि दूसरे का जो वाइफ है वो सुंदर लगती है, आपने वाइफ को कहता है कि गोरी हो लेकिन वो चमक नहीं है जो कि फ्लैट नंबर 512 वाली है। और जस्ट रिवर्स देखिएगा कि जो वाइफ होगी तो उसको दूसरे का हस्बैंड अच्छा लगेगा, बहुत स्मार्ट है, देखते हैं शर्ट पहनता है तो लगता है कि फिल्मी स्टाइल, आप जो है सब घोचू हैं एकदम, मंगराया चमराया हुआ शर्ट पहनते हैं बराबर। अभी देखिए हस्बैंड का जो मेंटल कंडीशन है वो डिप्रेस हो गया, बहुत वायरल चल रहा है कि सच बात है क्या? Yes, हमको लगा कि झूठ तो नहीं लिख रहा, डाल दिया आप डाइवोर्स पसंद करते हैं? आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पसंद करते हैं? लव मैरिज पसंद करते हैं ना, ठीक है, मैंने आपका जो पसंदगी है वैसा भगवान करे आपको लव करने वाली मिल जाए, तो ये तो मैंने सौभाग्य की बात। तो हमारा कहने का मतलब है कि ऑप्टिमम लेबर ऑफ वर्क और ऑप्टिमम लेबर ऑफ लीजर आवर, दोनों का जो संगम होता है तो वहाँ सप्लाई कर ऊपर उठ के अब वर्टिकल हो जाते हैं, सप्लाई अपवर्ड हो रहा है तो खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाए उसके बाद और मजदूरी दीजिएगा तो बाएं घर तक जाएगा, जिसका अर्थ हुआ कि वो आठ घंटा भी नहीं करेगा, छवे घंटा कर लेगा, उसको उतना पैसा मिल जाएगा। अब देखिएगा शाहरुख खान कहता है कि मैं तो फिल्म लेता नहीं हूं, साल में एक फिल्म लेता हूं, और किसी समय में था तो रात दिन दोनों खेप काम करता था। ये सब है, राजेश खन्ना का काफी होता था, अमिताभ बच्चन दो शिफ्ट काम करता था। तो इनकम का लेवल आपका जब ऊंचा हो जाएगा तो हायर द वेज रेट लोअर द सप्लाई ऑफ लेबर, हाईएस्ट द वेज रेट लोएस्ट द सप्लाई ऑफ लेबर। इस तीन सिचुएशन को
पहला सिचुएशन हो गया डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट की जगह गलती से प्रोस्टिट्यूट मत लिख दीजिएगा, ये आपको क्लियर करते हैं। वो कह रहा था कि आप ही बोले थे, हम बोले थे, तुम्हारा कान बज रहा था जो करते हुए सुनते रहते। तो डेस्टिट्यूट का आप डिक्शनरी में देखिएगा या गूगल में देखिएगा, उसका अर्थ होता है दरिद्रता की अवस्था, कि कपड़ा जो पहने हुआ मैला कुचैला पहने हुआ है, आयरन फायरन तो छोड़िए दीजिए फटा हुआ है, गंजी में 12-14 गो छेद है, पूछिएगा कहना अच्छा है, हवा अच्छा से आता रहता है। एक जमाने में पहले पता नहीं मिलता है कि नहीं, छेद 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 वाला गंजी रहता था, जालीदार गंजी, मर्द का, औरत का बात नहीं कर रहे, मर्द का गंजी जो है जालीदार रहता था, एक होता प्लेन, अभी आजकल मिलता है जब पता लगा हुआ कहाँ मिलता है। तो अब वो जो है आपको मजदूरी दर जैसे ही आपका एकदम कम रहेगा तो आपकी स्थिति दरिद्रता की रहेगी। बड़ा आस लगाए रखिएगा कि कोई ज़्यादा मजदूरी दे हमको तो हम आके काम कर दें। तो हायर द वेज रेट, हायर द सप्लाई ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज इन वेज डिटर्मिनेशन, हायर द वेज रेट, हायर द सप्लाई ऑफ लेबर। यह अवस्था कुछ समय तक चलेगी, हायर द वेज रेट, हायर द सप्लाई ऑफ लेबर, यह अवस्था कुछ देर तक चलेगी, और उसके बाद जैसे ही अर्थव्यवस्था में उसकी स्थिति में सुधार हो जाएगा, वो डेस्टिट्यूट नहीं रहा, अब वो सेटिस्फैक्ट्री स्टेज में आ गया है, उसकी स्थिति संतोषजनक हो गई है, तो तब ये करते करते अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जहां वो 8 घंटा काम कर रहा है और उसको मजदूरी जो है ऊंची मजदूरी मिल रही है। इसको कहा जाएगा ऑप्टिमल स्टेज, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क आवर एंड लीजर आवर, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क आवर एंड लीजर आवर। संसार के विभिन्न देशों में, संसार में अभी कितना देश है, कितना है 206 मेंबर, कितना है यूएनओ का 193। तो अब 193 में कहीं भी चले जाइए, स्टैंडर्ड वर्क आवर कितना घंटा होता है, 8 घंटा, 8 घंटा स्टैंडर्ड वर्क आवर है, क्लियर है, 8 घंटा स्टैंडर्ड वर्क आवर, और 16 घंटा जो है उसका फ्री आवर है, जिसको कहा जाता है लीजर आवर, आराम के घंटे। तो मजदूर स्वयं निर्णय करता है कि काम का घंटा हमारा कितना होगा, आराम का घंटा कितना होगा, लेकिन आरंभ की अवस्था में जब वो दरिद्रता की अवस्था में है तो उसकी आस रहती है कि मजदूरी बढ़ाओ तो हम काम का घंटा बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती जाती है श्रमिक की संख्या बढ़ती चली जाएगी, अधिक से अधिक श्रमिक जो है आके काम करने लगेगा, मजदूरी दीजिएगा, फर्म में जो है सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, घंटा तो देगा वो आदमी, लेकिन आदमी की भी संख्या बढ़ जाएगी, घंटा भी बढ़ जाएगा। तो हायर द वेज, हायर द सप्लाई ऑफ लेबर, एक स्थिति आएगी ऑप्टिमम स्थिति, उस ऑप्टिमम स्थिति में 8 घंटा काम 16 घंटा आराम, ये ऑप्टिमल स्थिति है, इसको कहा जाता है ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क आवर एंड लीजर आवर। काम के घंटे तथा आराम के घंटे के बीच इष्टतम अनुपात, जैसे वहां आ जाएगा तो स्थिति समझिए कि एक ऑप्टिमल स्थिति है। लेकिन मान लीजिए कि एम्प्लॉयर और आपको मजदूरी बढ़ा देता है, हाईएस्ट वेज रेट, तो हाईएस्ट वेज रेट जब करेगा तो श्रम की पूर्ति बढ़ेगी नहीं, क्या होगी, घट जाएगी, श्रम की पूर्ति क्या होगी, घट जाएगी। अब एक चित्र बनाइए जो ऐसे देखिए बोर्ड पर, ऐसा हाथ पर देखिए, हाथ पर देखिए, ऐसे उठेगा, ऐसे जाएगा, खड़ा हो जाएगा, अतः बाएं मुड़ जाएगा,
फिर देखिए यहाँ सप्लाई ऑफ लेबर ऐसे उठेगा, ऐसे उठेगा, यहाँ खड़ा हो जाएगा और फिर बाईं और पीछे की ओर मुड़ जाएगा। पार्श्वगामी, पार्श्वगामी इसको कहा जाता है। खींचिए खींचिए खींचिए, हमको दिखाइए, सीधे उठाइए, खड़ा कीजिए, बाएं मोड़ दीजिए, बाएं एकदम मोड़ दीजिए, स्मूथ मोड़िए, बैकवर्ड स्लोपिंग, कर्व कहीं भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन गौर से देखिएगा तो एक बीच में वर्टिकल थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाएगा। आपका वर्टिकल बहुत ले लिए ना, ये लीजिए या सीधे इसे गोल मोड़ लीजिए, फिर बनाइए, बना के वहीं से दिखाइए हमको। तो बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बैक, हाँ हाँ ठीक। तो बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व में नीचे दे दीजिए 200 रुपया, ठीक है, उसका दे दीजिए 500 रुपया वहाँ बीच में, और उसका ऊपर दे दीजिए 1000 रुपया पर डे। तब गौर करके देखिए कि 500 रुपया पर मान लीजिए 6 घंटा हो रहा है, 200 रुपया पर 6 घंटा हो रहा है, 500 पर हो जाएगा 8 घंटा, जहाँ मुड़ रहा है उसके नीचे 8 घंटा, आ 1000 दीजिएगा तो फिर घट के हो जाएगा 6 घंटा। तो इस प्रकार इसको कहते हैं बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर, बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर, बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चित्र है, जो आपसे पूछेगा कि बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर क्या बतलाता है। तो बतलाता है कि मजदूरी जैसे बढ़ेगी तो श्रम की पूर्ति बढ़ेगी, फिर एक ऑप्टिमम मजदूरी दर आ जाएगा जहां काम का घंटा 8 घंटा और आराम का घंटा 16 घंटा, और उसके बाद भी मजदूरी बढ़ा दीजिएगा तो श्रम की पूर्ति बढ़ेगी नहीं बल्कि घट जाएगी। जैसे इनकम ऊंचा होने लगेगा तो व्यक्ति कहेगा कि लाइफ है ना, एक दिन फक से बल्ब फ्यूज हो जाएगा और जीवन का कोई सुख देखे ही नहीं, बच्चा का खिलकारी नहीं देखे, पत्नी के साथ नहीं प्यार से बोल पाए, समाज में सोशल कस्टम में शामिल नहीं हो पाए, दिन रात काम करते रहे, आय बढ़ाते रहे। अब हमको चाहिए आराम, तो हाईएस्ट द वेज रेट एंड लोअर द सप्लाई ऑफ लेबर। मालिक कहेगा ये क्या हो गया, हम तो मजदूरी हाईएस्ट कर दिए हैं लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक इसका उदाहरण बहुत अच्छा है कि जिस दिन आप 5 लाख रुपया अपने मजदूर को दीजिएगा पेमेंट, तो नेक्स्ट डे वो नहीं आएगा, भर मन जो है वो ताड़ी पिएगा या शराब पिएगा या कहीं घूमने चला जाए, कुछ से कुछ इंजॉय करेगा, जिसका जो टेस्ट है, टेस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उस टेस्ट के अनुसार वो काम करेगा। क्यों, क्योंकि उसका फुल पेमेंट हुआ है। मजदूर सिंपल जो आपके यहाँ 350 रुपया पर डे में काम कर रहा है, अब तो 500 रुपया पर डे मांग रहा है, तो 500 रुपया पर डे आप दे तो 7 दिन में कितना हो गया, 3500, तो हर 7 दिन पर अगर पेमेंट आप कर रहे हैं उसको तो 3500 बोले तो 3500 पेमेंट कीजिएगा तो नेक्स्ट डे वो नहीं आएगा, अगला दिन हो सकता है 2 गुना आवे, मैंने काम में डिस्कटी। इसलिए जो सच्चा ठेकेदार होता है वो पेमेंट नहीं करता है, चुआ चुआ के टिकल डाउन जैसे जीव खोले हुए हैं और होम्योपैथी के शीशी से टप। आप पूछे हो गया डॉक्टर साहब, हो गया, आपको आओ कल या 1 वीक के बाद आओ, वो सोचता है कि 1 वीक में 1 बूंद क्या होगा, लेकिन नियम है। हैनमन उसके होम्योपैथी का आविष्कारक कौन है, हैनीमैन कहता है ड्रग इज मोस्ट पोटेंट वेन इट इज गिवेन इन माइन्यूट डोजेज, ड्रग इज मोस्ट पोटेंट वेन इट इज गिवेन इन माइन्यूट डोजेज, जितना सूक्ष्म बूंद में दवा आपके जीव पर गिरेगा उतना ही वो ताकतवर और पावरफुल होगा और आपके बीमारी को जड़ से दूर करेगा। जर्मनी में उसका है,
जर्मनी में उसका बड़ा बड़ा रिसर्च है, बहुत बड़ा बड़ा उसका रिसर्च होता है, और वहाँ की दवाई को अगर आप मंगवाइए डायरेक्ट जर्मनी से तो पैक करके आता है और उसका इस्तेमाल कीजिए तो रोग आपका समाप्त हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर होना चाहिए जो आपको बता दे कि कौन सी दवा खाना है, किस डोज का खाना है। ड्रग इज मोस्ट पोटेंट व्हेन इट इज गिवन इन माइन्यूट डोजेज। ये हैनमन जो हैनमन नाम बोले ना हैनीमैन ने इसको स्थापित किया। तो इसलिए हम लोग अब इस बात को यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं कि सप्लाई ऑफ लेबर इज बैकवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग, श्रम की पूर्ति रेखा पार्श्वगामी होती है, श्रम की पूर्ति रेखा पार्श्वगामी होती है। सही या गलत, क्या उत्तर होगा? सही है। और एक और क्लू आपको देते हैं, कृषि का उत्पादन रेखा पार्श्वगामी होता है, कृषि का उत्पादन रेखा पार्श्वगामी होता है ना, कृषि का उत्पादन रेखा पार्श्वगामी होता है। इस पर भी हम लोग एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स विचार करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।